इंडियन प्रीमियर लीग बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजों की पिटाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आइए जानते हैं कौन है आईपीएल के सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स आईपीएल के 10वें सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर हैं। एबी ने आईपीएल 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 47 गेंदों में शतक लगाया था। डिविलियर्स ने उस पारी में 133 रन बनाए थे, जिनमें 4 छक्के और 19 चौके शामिल थे। ये शतक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लगाया गया था। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल आईपीएल इतिहास के 9वें सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। गेल ने आईपीएल 2011 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर 46 गेंदों में शतक पूरा किया था। गेल ने उस पारी में 107 रन बनाए थे, जिनमें 9 छक्के और 10 चौके शामिल थे। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर इतिहास फिर से दोहराया था। दरअसल गेल ने आईपीएल 2015 में भी किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ ही 46 गेंदों में शतक पूरा किया था। गेल ने पंजाब के खिलाफ 117 रन बनाए थे, जिनमें 12 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और इसके साथ ही क्रिस गेल आईपीएल इतिहास के 8वें सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के मुरली विजय ने आईपीएल 2010 में भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 46 गेंदों में शतक पूरा किया था। विजय आईपीएल इतिहास के 7वें सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। विजय ने एम चिदम्बरम स्टेडियम में 127 रन बनाए थे, जिनमें 11 छक्के और 8 चौके शामिल थे। श्रीलंका के सनत जयसूर्या ने आईपीएल 2008 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 45 गेंदों पर शतक पूरा किया था। जयसूर्या ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 114 रन बनाए थे, जिनमें 11 छक्के और 9 चौके शामिल थे। और इसके साथ ही सनत जयसूर्या आईपीएल इतिहास के 6वें सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 360 डिग्री प्लेयर एबी डिविलियर्स आईपीएल इतिहास के 5वें सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। डिविलियर्स ने आईपीएल 2016 में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर गुजरात लॉयंस के खिलाफ 43 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। डिविलियर्स ने उस इनिंग में पूरे 129 रन बनाए थे, जिनमें 12 चौके और 10 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेलते हुए मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 42 गेंदों में अपना शतक जड़ा था। आईपीएल 2008 के इस मैच में गिलक्रिस्ट ने 109 रन बनाए थे, जिनमें 10 छक्के और 9 चौके शामिल थे। और इसके साथ ही गिलक्रिस्ट आईपीएल के 4वें सबसे तेजी से शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर आईपीएल इतिहास के 3रे सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर हैं। मिलर ने आईपीएल 2013 में आरसीबी के खिलाफ 38 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए उस मैच में मिलर ने 101 रन बनाए थे, जिनमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। यूसुफ पठान ने आईपीएल 2010 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए आईपीएल इतिहास का 2रा सबसे तेज शतक लगाया था। पठान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई के बुरबॉन स्टेडियम में 37 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। यूसुफ पठान की उस 100 रन की पारी में 8 छक्के और 9 चौके शामिल थे। द वर्ल्ड बॉस के नाम से मशहूर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ आईपीएल 2013 में 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। गेल ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए उस मैच में 175 रन बनाए थे, जिनमें 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया था। आईपीएल 2017 में आप किस खिलाड़ी को एक विस्फोटक बल्लेबाजी करते और शतक लगाते हुए देखना पसंद करेंगे? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम लिखें और आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।